महिलाओं को पैसे की बचत के लिए फेस्टिव शॉपिंग को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जब शॉपिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है तो क्या करना चाहिए? इन दिस वीडियो आई एम टू गिव यू सम टिप्स हाउ टू सेव मनी ऑन फेस्टिव शॉपिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड लेट द सेविंग बिगिन। देखिए, फेस्टिवल शॉपिंग जो है इट कैन बी समटाइम्स टू एक्सपेंसिव, तो ये शुरुआत में ही बजट बना लेना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों को खरीदना बहुत ज़रूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग ही जो है शॉपिंग करनी चाहिए। हमारे जो कैलेंडर है, इंडियन कैलेंडर, उसका जो सेकेंड हाफ है वो जो है इट इज़ लाइक फुल ऑफ सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स, जो कि नवरात्र से लेकर के स्टार्ट होकर के नवरात्रा, दुर्गा पूजा, अष्टमी, नवमी, और उसके बाद दशहरा से दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर। मतलब जो इंडियन फैमिलीज हैं, इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, कभी एक तरफ तो बजट में पैसे के लिए शॉर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए खर्चा दिवाली पर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, विशेष तौर पे महिलाएं। क्यों होड़ होती है ना भाई, किसी ने अगर नया सोफा ले लिया तो आपको तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, किसी ने अगर नई साड़ी खरीद रही है, कोई नया लहंगा खरीद रही है, तो आपके लिए तो मस्त हो जाएगा, आपको भी लेना पड़ेगा फिर तो। कैसे हम इन जो अननेसेसरी फेस्टिव शॉपिंग है उससे बच करके क्या तरीके इस्तेमाल करें कि हम फेस्टिव शॉपिंग में भी बचत कर पाएं। बी प्रूडेंट ऑन एक्सपेंसेस एंड प्लान इन एडवांस। एडवांस पे प्लानिंग कर लीजिए, क्या खरीदना जरूरी है, किसको खरीदे बिना काम नहीं चलेगा, जो चीज़ें रीयूज हो सकती हैं उन्हें रीयूज करना की कोशिश करिए, और जो चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेंगी तो उनके लिए भी प्लानिंग करिए कि किस पर्टिकुलर बजट के अंदर आपको वो चीज़ें लेनी है। हमारी वॉन्ट और हमारी नीड्स में बहुत फर्क होता है, हमें कोई चीज़ चाहिए और कोई चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमें सिर्फ वही चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी हमें वाकई में ज़रूरत है। चाहते तो हम बहुत सारी चीज़ें। इवेल्युएट इफ़ यू रियली नीड वॉट यू प्लान टू बाय। सपोज करिए आपके माइक्रोवेव में कुछ प्रॉब्लम है, और आपने तो प्लानिंग कर ली कि मैं तो दिवाली पर नया माइक्रोवेव लेऊंगी, लेकिन देखिए आसान उपाय ये है कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन को, टेक्नीशियन को बुला करके उस माइक्रोवेव को ठीक करवा लेना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तीसरा, रिसर्च करके देख लीजिए, अगर कोई चीज़ लेना मस्ट बाय है आपके लिए तो वो ऑनलाइन में बेटर ऑप्शन है कि ऑनलाइन में सही रेट में पड़ रहा है आपको, या कि मतलब ऑफलाइन में जो है उसका रेट ठीक पड़ रहा है, और आप जाकर के जो आपके यहाँ जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे भी उसका रेट पता कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा इकोनॉमिक डील मिल रही है, कृपया वो चीज़ वहीं से खरीदें। और देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना तो एनकैश द रिवार्ड पॉइंट्स। जब भी आपके फेस्टिवल अप्रोच करने वाला होता है और आपके पास पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो रिडीम कर लीजिए उन पॉइंट्स को पे बैक के अंदर, कुछ भी चीज़ परचेज करते वक्त इससे आपको अच्छा खासा कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा। और थोड़ा पहले एडवांस में इस चीज़ को प्लान कर लें, क्योंकि देखिए जब फेस्टिवल बिल्कुल अप्रोच करने वाला होता है और आप उस समय ऑर्डर लगाते हैं तो लाइक जल्दीबाजी में कई बार जो कुछ जो आइटम्स हैं वो कार्ट से बाहर हो जाते हैं, आपको पूरा प्रॉपरली डिस्काउंट नहीं मिल पाता, डिलीवरी डिले हो जाती है और आप उसको टाइम पर नहीं पहुंच पाने की वजह से यूज़ भी नहीं कर पाते। डेकोरेशन वाली लाइट्स जो हैं हर एक साल संभाल कर रखिए, कुछ ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए, जो अच्छी हैं, रीयूजेबल हैं, उन्हें स्टोर करके अपने पास एक सेफ प्लेस पर रख दीजिए, अगले साल जो है नेक्स्ट फेस्टिवल पे, क्रिसमस पे, दिवाली पर आपके वापस काम आएंगी। बेडशीट्स भी कुछ फैंसी बेडशीट्स अलग रखिए फेस्टिवल्स के लिए, साल में जब भी त्यौहार आते हैं, नवदुर्गा पूजा से लेकर के क्रिसमस तक त्यौहार चलते हैं, इसके अलावा साल के शुरू में देखिए आप स्टार्टिंग के न्यू ईयर से ही शुरुआत हो जाती है त्यौहारों की, तो एक्चुअली तो कुछ बेडशीट्स ऐसे रखिए जो स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडे पे, आपकी एनिवर्सरी पे, या जब भी आपको लगता है आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, कुछ फैंसी बेडशीट्स अलग रखिए, और जो डेली यूज की बेडशीट्स जो है अलग रखिए। फैंसी बेडशीट्स रखने से आपको बार बार उनके ऊपर स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फेस्टिवल्स के टाइम ही काम आएंगी। सोफा अगर आपके पास है तो डेली यूज के कवर्स अलग रखिए, फेस्टिवल सीजन के जो है कवर्स वो अपने पास अलग रखिए ताकि वो केवल फेस्टिवल्स के टाइम यूज करें। कारपेट का भी यही सेम करिए, डेली यूज के जो है आपके जो ड्राइंग रूम का कारपेट है वो अलग होना चाहिए, और जो फेस्टिव सीजन में आप यूज करते हैं वो अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का अलग रखिए। बार बार आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीदने में भी पैसे खर्च होते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं। ग्रीन इंडोर प्लांट्स रखिए, दे आर गुड फॉर हेल्थ, दे आर गुड फॉर पीस, दे आर गुड फॉर प्रोस्पैरिटी। और जो आपके पास आर्टिफिशियल प्लांट्स जो भी हैं उनको भी हर एक साल खरीदने की जगह आप पैसे इस तरह से बचा सकती हैं कि आप उनको वॉश करके अच्छी तरह से यूज कर सकती हैं, और कुछ ऐसे जो स्पेशली आप चाहें कि फेस्टिवल्स पर लगाने हैं आपको, उनको फेस्टिवल जैसे ही मतलब आप सेलिब्रेट कर चुके होते हैं उसके बाद उसको
फेस्टिवल सेलिब्रेट होने के तुरंत बाद उनको पैक करके वापस रख दीजिए एक सेफ प्लेस पर, और जैसे ही नेक्स्ट फेस्टिवल आए तब उसको वापस निकाल लीजिए। ये छोटी छोटी तरीके हैं, कुछ महिलाएं इनसे बचत कर सकती हैं। और फेस्टिवल्स पर जो ओवर स्पेंडिंग है, लाइक शॉपिंग हो है, उससे बच सकती हैं, चाहे वो डेकोरेशन के आइटम हो या फिर इवन चाहे आपकी ड्रेसेस हो। कुछ हैवी ड्रेसेस जो हैं उनको आप फेस्टिवल पर पहन सकती हैं। देखिए कपड़े एक बार पहनता खराब नहीं होते, मैं कई बार वीडियोस में ये बार आपको बता चुकी हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जितनी बार आप उनका यूज़ कर सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन लाइक पुराने कपड़ों को भी मत सहेजिए, इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। साड़ी आपने जो अच्छी आपकी हैवी साड़ीज हैं, लाइक आपकी लाइक शादी वाली साड़ी है, आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी वाली है, लाइक आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट की हुई साड़ीज हैं, आपके हस्बैंड ने दी हुई हैं, या आपके कोई मतलब मदर फादर कहीं से भी आई हुई हैं, उनका एक देखिए लेडीज जो होती हैं जो बहुत कुशल होती हैं, बहुत कुशल गृहिणी होती हैं, फोल्डर्स बना लीजिए, बंदेज का कलेक्शन, सिल्क का कलेक्शन, और लाइक जो डेली यूज की साड़ियां हैं उनको बिल्कुल अलग रखिए, अगर साड़ी पहनती हैं सूट पहनती हैं जो भी, और जो फेस्टिव वियर साड़ीज हैं भारी साड़ियां हैं बनारसी, जो भी आप भारी साड़ियां हैं उनको एक बिल्कुल अलग तरीके से रखिए, ताकि वो फेस्टिवल्स पर जब भी आप उनको निकालना चाहें वो उसको तुरंत उस फोल्डर से निकालें और मौके पर पहनकर मौके की शोभा को बढ़ा सकें। वाउचर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी देख लीजिए कि वो ठीक से अप्लाई हो रही है कि नहीं, आप उसका मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस पे बैक से आपका जो कैश आउटफ्लो कम हो जाएगा। यूज डिस्काउंट्स एंड वाउचर्स, अगर आप अपने लोकल स्टोर से परचेज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि डिस्काउंट और जो वाउचर्स उसके साथ फेस्टिव ऑफर के साथ मिल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए कि क्या फेस्टिव डिस्काउंट्स हैं, क्या ऑफर्स हैं, और एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है उसका ध्यान रखिए कि कहीं पहले से तो उसकी प्राइस उन्होंने बढ़ाई हुई नहीं है और आपको लाइक उसके ऊपर वो फायदा नहीं मिल रहा जो कि आपको मिलना चाहिए। ऑलरेडी हाइक प्राइस है और आपके उसके बाद डिस्काउंट का लुभावना ऑफर देकर के कहीं आपको सामने वाले लूट तो नहीं रहे लोकल स्टोर वाले। यूज कैशबैक ऑफर्स, उससे क्या होगा कि आपको एक बार तो उसका फुल प्राइस जो है पे करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो कैशबैक होगा ना उससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, इससे आपको जो है पैसे बचेंगे और आपको जो प्राइस है इकोनॉमिक पड़ जाएगी। जो भी रीयूज द आइटम्स विच आर इन गुड कंडीशन, इट कैन बी लाइट, इट कैन बी डेकोरेशन, इट कैन बी समथिंग एल्स लाइक पूजा आर्टिकल्स विच यू हैव विच यू कैन यूज ड्यूरिंग द पूजा। कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप जीरो इंटरेस्ट लोन भी ले सकते हैं, उसका शायद थोड़ा बहुत जो जो चार्जेस पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस वगैरह होगी आपको लगेगी, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट है एक बार आपको मिल जाएगा फिर आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे दे सकते हैं, इससे आपके ऊपर इमीडिएटली सारा फाइनेंशियल बर्डन एक साथ नहीं पड़ेगा। अपनी फेस्टिव शॉपिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, जब जहां जरूरत हो, वाकई बहुत जरूरी हो केवल वहीं पर ही परचेजिंग करिए, अदरवाइज जो चीजें आप यूज कर सकते हैं उन्हें कोशिश करिए यूज करिए, और इस तरह से पैसे बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए जो पैसे बचेंगे ना वो अल्टीमेटली आपके ही काम आएंगे। तो बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी।